हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोजेट तो फाइनली हमारी आज ये डोरी जो है वो इसके सारे खिलौने कंप्लीट हो गए हैं डोरी भी हमने बना ली है इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है तो अब हमें डोरी में जो जो खिलौने लगाने हैं इसे हम किस तरह से डोरी के साथ अटैच करेंगे और किस तरह से हमने पहले बनाए थे बाद में क्या किया वो सारी चीज़ें हम बताएँगे देखिए सांता क्लोज आपको इसी तरह से प्लेन मिलेगा इसके बाद हमने दो फेस लेकर के इस तरह से निडल की मदद से जॉइंट किया है और बीच में हमने देखिए कॉटन डाला है तो इसे हमने इस तरह से किया है और इस ट्रे को भी हमने इस तरह से किया है इस तरह का सिंगल वीडियो आपको बनाने मिल जाएगा फिर दो हमने इस तरह से निडल की मदद से जॉइंट किया है और इसके बाद इसके बीच में भी थोड़ी सी जगह जब रह जाए इसके बाद हमने इसके बीच में कॉटन डाला है तो ये तो हो गई और साता क्लोज के फेस और ट्री की बात तो ये चार हमने फेस लिया है इस तरह का देखिए एक करके दिखाऊंगी इसको आप, आपको मैं करके दिखाऊंगी इसमें कॉटन भी डाल करके दिखाऊंगी तो ये टोटल चार हो गए और ये ट्री दो आएंगे हमारे एक हमने बनाया है और एक हम और बना लेंगे तो ये दो हो गए दो ये हमारे हाथ हो जाएंगे तो इसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है और ये दो हमारी ये रिंग हो जाएगी इसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है छः हमारे पूरी डोरी में इस तरह का छः बेल आएगा तो इस, इसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है दो केप आएगी देखिए ये वाले सबकी वीडियो अपलोड हो चुकी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहे तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो देखिए ये वाले हमने पाँच स्टार बनाए हैं इसका भी वीडियो आ गया है देखिए ये वाले भी हमने पाँच बनाए हैं तो इन सबको अब हम डोरी में लगाना स्टार्ट करते हैं देखिए ये वाले हमने पांच इस तरह की डालियां बनाई है कि इस तरह से तो ये पांचों अलग अलग है तो इसे हम डोरी का जब ये फर्स्ट पार्ट होता है इसका जब हम झूले के साथ अटैच करते हैं वहां पर इस पाँचों को लगाएंगे तो ये डोरी जो है वो हमारी इस तरह की है देखिए ये भी दिखा देती हूँ देखिए इस तरह की डोरी है ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये जो बेल है वो हमने यहाँ से डाला है इसके अंदर इस चारी ये जो सारी चेन है इसको इसके अंदर से निकाल करके यहाँ पर रख दिया है इस बेल को और सारे बेल इसी तरह से डाले हैं और एक बेल हमारा जो है वो इसे भी हमें डाल करके आपको दिखाती हूँ दिखे एंड में हमारा एक बेल और है तो हम इसे इस तरह से क्रोशे की मदद से डाल देंगे कोई भी क्रोशिया लीजिए इसके बाद आप इस तरह से देखिए ऐसे करके हम यहाँ पर इसका जो हॉल है इसके अंदर से सारे धागे निकाल देंगे देखिए इस तरह से और अब ये यह बेल यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर जो लास्ट में हम जो लगाएंगे वो वाला फ्लावर जो है यहाँ पर इसके नीचे अटैच हो जाएगा ये निकल गया इस तरह से और इसके नीचे ये वाले सारे फ्लावर यहाँ पर आ जाएंगे देखिए तो ये फ्लावर हम लगा ही देते हैं एक एक के बाद एक एक हम लगा देंगे और हमने चैन किस तरह से सबके साथ बनाई वो भी मैं आपको दिखाऊंगी लेकिन पहले ये वाला फ्लावर हम सॉरी चलो बाद में ये सारी चीज़ें हम साथ में ही लगाएंगे तो इस बेल को हमने इस तरह से डाल दिया है और इसे भी हम थोड़ा सा छोटा यहाँ पर कट कर लेंगे इस तरह से यहाँ पर हम थोड़ा सा कट कर लेंगे और इसके बाद ये यह जो यहाँ पर इसकी नोट है वहाँ तक हम इस बेल को आने देंगे यहाँ पर और अब फिर से इसको यहाँ पर लगा देंगे तो हम पहले तो ये जो हमने प्लेन डोरी बनाई है इसकी भी वीडियो अपलोड हो गई है ये हमने सिंगल कलर से बनाई है लेकिन हमने जो वीडियो में बताया है वो टू कलर में इस तरह से बताया है देखिए और अगर आप इसमें खिलौने नहीं डालना चाहते हैं तो प्लेन रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं तो मैंने वीडियो में ये भी बताया है देखिए तो इस डोरी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दो कलर में ये और भी खूबसूरत लगती है और आप सिंगल इसी तरह से रखना चाहते हैं खिलौने ना लगे तो भी इसके नीचे इस तरह का बन जाएगा देखिए ये भी मैंने बना करके दिखाया है अगर आप इस तरह का नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर नोट लगा करके बेल लगा दीजिए अगर आप खिलौने वाली बनाना चाहते हैं तो मैंने वीडियो में ये सारी ये डोरी बना करके दिखाई है देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है इसका डिजाइन और ये बहुत ही टाइटली बनती है एकदम से ये हमने सिंगल कलर से बनाया है इसलिए इसमें पैटर्न दिखाई नहीं देता है लेकिन इसमें इजीली पैटर्न दिखाई देता है मैंने यही कलर में बना करके दिखाया है तो चलो हम अब बनाना स्टार्ट करते हैं ये जो सारे खिलौने हैं इसको देखिए इसके साथ तो हमने चेन ले ली थी तो इसे भी कुछ नहीं करना है नीचे वाले को भी कुछ नहीं करना है ये वाली डालियों के भी कुछ नहीं करना पड़ेगा इसका भी तो अब हम पहले ये वाला जो फेस है इसके इसको निडल से अटैच करेंगे और इसके बीच में कॉटन डालेंगे इस ट्री को भी इस तरह से पहले हम रेडी कर लेंगे तो देखिए इस तरह से हमने दोनों ट्री ले लिया है और अब हम यहाँ से इस कॉर्नर से हम इसको सिलना स्टार्ट कर देंगे निडल में हमने धागा पिरो लिया है और इस तरह से हर एक चेन को एक चेन हाँ आमने से लेनी है और एक यहां से लेनी है तो दोनों साइड से एक एक चेन हम लेते जाएंगे और इसी तरह से हम सिलते जाएंगे देखिए इस तरह से आमने सामने से दोनों चेन एक एक हमारी सारी आ जानी चाहिए तो इसी तरह से हम सिलते हुए यहां तक आ जाएंगे देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर हॉल रखेंगे यहाँ तक आ जाएंगे फिर बाद में हम इसमें कॉटन डाल देंगे देखिए यहाँ तक हमने सिल लिया है और यहाँ पर इतनी सी जगह है हमारी यहाँ से हम क्रोशे की मदद से थोड़ा थोड़ा सा कॉटन ले करके इस तरह से क्रोशे को उल्टा करके इसके अंदर डाल देंगे तो आप इसको जितना भी चाहे इतना थोड़ा थोड़ा सा करके इसके अंदर डाल दीजिए तो देखिए इसमें कॉटन डाल दिया है हमने और इसके बाद फिर से बाकी का जो था वो हम इसको लेंगे। तो देखिए ट्री बन करके रेडी हो गया अब हम इस फेस को बनाएंगे तो इस फेस को भी इसी तरह से कहीं से भी आप स्टार्ट कर लीजिए इस तरह से दोनों को सेम रख करके और इस फेस का वीडियो जो मैंने अपलोड किया है वो लड्डू गोपाल के ड्रेस में डालने के लिए बनाया था तो इसमें छोटा और बड़ा तीन साइज में आपको अलग अलग इसके वीडियो मिल जाएंगे तो इन सब साइज की जो वीडियो है इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो इसी तरह से आप सिलते जाइए और थोड़ा सा यहाँ पर ट्री की तरह यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ देंगे इसके बाद इसमें कॉटन डाल देंगे तो देखिए यहाँ तक मैंने सिल लिया है और इसके बाद यहाँ पर हमने जैसे ट्री में डाला था इसी तरह से हम कॉटन इसमें भी डाल देंगे इस तरह से क्रोशे की मदद से हम डालेंगे तो यहाँ पर हम जैसे चाहे वैसा डाल सकते हैं इस तरह से आप धीरे धीरे करके डाल दीजिए देखिए इसमें कॉटन डाल दिया है और अब हम जितना बाकी था इतना फिर से सिल लेंगे देखिए सांता क्लोज भी बन गया हमने कॉटन डाल करके बना लिया अब हम इन सारी चीज़ें जो है इसको हम चेन बना करके किस तरह से इसके साथ हम चेन अटैच करेंगे और डोरी के साथ किस तरह से हम इसको लगाएंगे तो इतनी चीज़ें हैं जो हमें अलग अलग तरीके से इसके साथ चेन को अटैच करना है तो देखिए पहले तो हम इस रिंग के साथ इस तरह से इथागा हमने ले लिया इसमें नोट भी लगा दिया हमने धागे में इसके बाद देखिए यहाँ पर इसके बीच वाला जो ए है इसके अंदर डाल करके हम यहाँ पर एक दो तो, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और सत्रह हमने सत्रह सेन बना ली है यहाँ पर आप चाहे इतनी बना सकते हैं और अब हम डोरी के साथ अटैच करने के लिए धागा भी लंबा रखेंगे और यहाँ पर हमने ये धागे की पीछे नोट लगा देनी है तो देखिए इस तरह से हो गया लगाने के लिए और अब हम यहाँ पर इसके साथ हम अटैच कर देंगे चेन तो इसे भी हम इस तरह से वाइट धागे से करेंगे जैसा भी आप धागा लेना चाहते हैं देखिए यहाँ पर बिल्कुल इसके सेंटर में हम क्रोशे को डालेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर से निकाल देंगे और फिर यहाँ पर भी हम जितनी भी हमें चेन चाहिए इतनी बना लेंगे हमने इसमें भी सत्रह बनाए हैं तो इसमें भी इतने ही बनाएंगे तो देखिए इसमें भी हमने धागा लंबा रख कर के काट लिया है अब इस धागे की हम यहाँ पर नोट लगा देंगे जहाँ पर हमने शुरू किया था तो वहाँ पर थोड़ा सा धागा होता है हमारा इस धागे की हम यहाँ पर एक दो बार नोट लगा देते हैं बाद में काट लेंगे यही पर व्हाइट में ही लगाएंगे क्योंकि धागा भी व्हाइट है और आप चाहे तो निडल में पीरो करके भी इसकी नोट लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी सी नोट लग जाएगी निडल में पिरो करके भी आप लगा दीजिए देखिए इस तरह से तो ये हो गया और ये दोनों हो गए अब हम इसके साथ स्ट्री इस के साथ चेन से जॉइंट कर देंगे इसे भी हम ग्रीन धागे से करेंगे और इसे भी हम इस तरह से बीच में से डालेंगे इसमें कॉटन डाला हुआ है तो थोड़ा सा धीरे से इसकी चेन ले लीजिए इस तरह से हम फिर से यहाँ पर भी चेन बना लेंगे इसमें हमने सत्रह बनाई है तो आप एक में अठारह लीजिए एक में बीस लीजिए तो एक छोटा एक बड़ा एक छोटा इस तरह से हो जाएगा जैसा आप चाहे वैसा रख सकते हैं देखिए इसके धागे की हम नोट यहाँ पर हमने नीडल में धागा पिरो लिया है और यहाँ से हम इस धागे को इधर उधर दो तीन बार निकाल देंगे इस तरह से तो आप ऐसे करके दो तीन बार निकाल दीजिए इधर उधर तो देखिए अब हम कैप को इस तरह से करेंगे इस तरह से पीछे वाली लाइन में क्रोशिया डाल करके आप चाहे तो कहीं पर भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं तो यहाँ पर भी हम चेन बना लेंगे देखिए हमने रेडी कर लिया और अब हम इसको सांता क्लोज के फेस के ऊपर ये जो पफ बनाया है हमने इसकी चेन उठा करके यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से फिर यहाँ पर हम चेन बना लेंगे चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और सत्रह तो इस तरह से इसको भी कर लेंगे थोड़ा सा धागा लंबा रख करके काटेंगे और इस धागे की हर वक्त की तरह इसी पफ बीच में इधर उधर धागा घुमा करके यहीं पर ही नोट लगा लेंगे तो आराम से आ जाएगा तो हमने सब चीजों में चेन बना ली है इसको लगाने के लिए डोरी के साथ तो चलो पहले डोरी के साथ लगाना शुरू करते हैं देखिए पूरी डोरी है इसमें टोटल हमारे पास छह बेल है देखिए तीन और तीन छे तो ये आखिरी वाला है ये फर्स्ट वाला है और बीच में चार है तो इन चारों के बीच में जो जो जगह है देखिए यहाँ पर इस बेल के और इस बेल के दोनों के बीच में जगह है फिर यहाँ पर दोनों के बीच में यहाँ पर एक एक वाइट स्टार आएगा देखिए हमने वाइट वाला बनाया है ये वाला एक एक यहाँ पर आएगा ये बेल के नीचे नहीं यू ही हम लगा देंगे नीडल की मदद से और बेल के नीचे, नीचे हम तीन तीन खिलौने लगाएंगे और यहाँ पर हमने जो वो डालियां बनाई है वो लगाएंगे तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बाद हम ये लगाएंगे ए वाली ये जो हमने बनाई है ए तो इसको हम निडल की मदद से लगाएंगे हमने चार बार धागे पिरो लिए हैं देखे ये चार धागे हैं क्योंकि थोड़ा सा ये मजबूत रहेगा तो बेल को हम इधर कर देंगे और इसके नीचे सारी नोटे जो है सब कुछ भी लगाए हम तो इन सारी नोटे जो है वो बेल के नीचे चली जाएगी तो यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा कि ये यहाँ पर नोट है देखिए बेल के नीचे आ जानी चाहिए इसकी नोट इस तरह से आप देख लीजिए इसके बाद अलग अलग जगह पर आप इन पांचों डाली को इस तरह से लगा दीजिए तो मैं आपको लगा करके दिखाती हूं तो देखिए यहाँ पर हमने ये वाली डालियाँ लगा दी सारी देखिए इस तरह से और अब हम इस बेल को नीचे कर देंगे देखिए इस तरह तो ये नोटे भी सारी इसके इस बेल के नीचे चली जाएगी देखिए ये झूले के साथ जब हम अटैच करते हैं तब ये डाली बहुत ही अच्छी लगती है और आप चाहे तो इसमें कहीं पर भी थोड़ा सा गैप रख करके या तो पत्ती में मोती भी लगा सकते हैं अगर आप और डेकोरेट करना चाहते हैं तो और हम बाद में बीच बीच में स्टार लगाएंगे पहले हम पहले वाले बेल के नीचे खिलौने लगा देंगे तो देखिए तीनों हमने एक एक ले लिया है और अब हम इस तीनों की पहले नोट लगा देंगे यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर से इधर उधर ना हो जाए इसलिए पहले हम इन ही तीनों की नोट लगा देंगे और इसके बाद अब हम पहले हमने इस बेल को सारे को एक सेम जगह पर अपने हिसाब से बीच बीच में सारे बेल के बीच में सेम जगह रहे इस तरह से हमने पहले अच्छे से कर लिया है तो आप इस तरह से पहले बेल को सेट कर लीजिए इसके बाद खिलौने लगाइए तो हमने इस जगह को सेट कर लिया है देखिए इस बेल को यहाँ पर लाते हैं तो यहाँ पर दो बेल सेम हो जाते हैं इस तरह से हमने सेम जगह बीच बीच में छोड़ी है दो बेल के बीच में तो पहले वाले बेल के नीचे हम ए वाला तीन लगाएंगे तो इसके लिए हम देखिए थोड़ा सा बेल को इधर करेंगे और यहाँ पर इस तीन खिलौने को लगा देंगे इसी तरह से क्रोशे की मदद से सारे धागे निकाल देंगे और यहाँ पर अपने हिसाब से जितनी बार चाहे इतनी बार आप धागा हो लंबा इतनी नोटे लगा लीजिए तो ये पक्का हो जाएगा क्योंकि हम इसे वॉश करेंगे तो भी ये खुल ना जाए इसी तरह से आप चार बार तीन बार जितनी बार भी आप चाहे इतनी बार डोरी में नोट लगा दीजिए इस तरह से तो देखिए खिलौने हमने लगा दिए इसके बाद बेल को हम नीचे कर देंगे तो देखिए इस तरह से बेल आ जाएगा और यहाँ पर खिलौने आ जाएगी ये सारी नोटे बेल के नीचे चली जाएगी तो अब हम दूसरे बेल के नीचे इसी तरह से लगाएंगे तो ये वाले तीन हम आप अपने हिसाब से कौन से कौन से साथ में लेने हैं वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं तो सेम हमने जैसे वहाँ पर लगाया इसी तरह से हम इस तीनों को भी यहाँ पर लगा देंगे लेकिन पहले हम इन तीनों की नोट लगा देंगे इसके बाद बेल को थोड़ा सा इधर करके यहाँ पर लगा देंगे तो जैसे हमने पहले लगाया सेम इसी तरह से हम सारे खिलोने चार बार है तो चारों बार लगा देंगे तो देखिए हमने चारों बार खिलोने लगा दिए बाद में मैं आपको डोरी पूरी करके दिखाऊंगी किस तरह की दिखती है लेकिन हम लास्ट में जो हमने ये वाले फ्लावर बनाए थे देखिए ये पांचों फ्लावर था तो हम इसे लगाएंगे तो इसे भी हम पहले हमने जिस तरह से किया इसी तरह से हम इन सारे धागे की नोट यहाँ पर लगा देंगे इसको भी तो इस तरह से हम नोट लगा दी हमने फिर बाद में बेल को थोड़ा सा ऊपर करके हम इसे भी इसी तरह से हमने जैसे ऊपर खिलों ने ज्वाइंट किए हैं इसी तरह से हम इसको भी करेंगे देखिए इस तरह से इसकी भी जितना भी धागा है इतनी चार पांच बार आप नोट लगा लीजिए तो नोट तो सारी हमारी बेल के नीचे चली जाएगी वो दिखाई नहीं देगी तो इस तरह से आप नोट लगा लीजिए मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ तो देखिए हमने लगा दिए खिलौने इसके बाद बेल को हम यहाँ पर नीचे कर देंगे तो देखिए ये फ्लावर भी हमारे यहाँ पर लग गए तो अब हम यहाँ पर बीच में जो हमारा दो बेल था इसके बीच में जो जगह है हमारी देखिए यहाँ फर्स्ट है फिर इसके बाद ये टू है तो इस दोनों बेल के बीच में जो जगह है वहाँ पर हम स्टार लगाएंगे तो इस तो स्टार को हमने यहाँ पर ये यह धागा जब हमने स्टार बनाया था तभी लंबा रखा था स्टार के वीडियो में भी हमने बताया है इसमें धागा आप लंबा रखें तो यहाँ पर ये बीच में होता है तो बिल्कुल दोनों के सेंटर में हम यहाँ पर ये वाला स्टार इसी तरह से लगा देंगे तो इसमें हमने चेन बहुत सी कम रखी है क्योंकि ये हम इसी तरह से डोरी के साथ ही अटैच कर देंगे देखिए इस तरह से इसमें चेन हमने तीन ही बनाई थी इसके बाद धागा लंबा रख करके काट लिया था तो इस हमने डोरी में इस तरह से लगा दिया इसके बाद अब हम यहां पर चेन में से निडल को निकाल देंगे इस तरह से और अब हम फिर से वापस स्टार में चले जाएंगे और यहां पर हम नोट लगाएंगे देखिए इस तरह से ये हो गया अगर आप चाहे तो डोरी के साथ भी यहाँ पर एक दो बार लगा दीजिए तो ये डोरी के साथ भी इसी तरह से रहेगा लेकिन हम यहाँ पर स्टार में इसकी नोट लगा देंगे तो ये हमारा डोरी के साथ लग गया है देखिए इस तरह से तो अब हम इसमें दो तीन बार घुमा करके नोट लगा लेंगे तो आप इसमें चाहे इतनी बार नोट लगा दीजिए देखिए इस तरह से भी आप नोट लगा सकते हैं तो भी ये खुलेगा नहीं तो अब हम यहाँ पर धागा काट लेंगे तो इस तरह से आप इसको लगा दीजिए फिर इसके बाद ये दोनों बेल के बीच में ये आ गया फिर इसके बाद इन दोनों बेल के बीच में यहाँ पर आ जाएगा तो इस तरह से हम पांचों स्टार लगा देंगे तो दिखे डोरी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है और सारी चीज़ें हमने लगा दी है और लगाने के बाद इस तरह की दिखती है देखिए मैं आपको पूरी डोरी दिखाती हूँ देखिए तो ये बहुत ही खूबसूरत डोरी दिखती है देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट है बाकी का ये हमारा पहला बेल दूसरा तीसरा और ये चौथा और आखिरी में ये हमारे पांचों फ्लावर तो इस तरह की डोरी पूरी दिखती है तो आशा करते हैं आपको हमारे सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और जिसमें इसमें जितनी भी चीजें हमने लगाई है इन सारी चीज़ों की वीडियो अपलोड हो चुकी है लिंक सारी की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले थैंक यू फॉर वॉचिंग